कृषि विभाग कार्यालय के एक रूम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि जल्द ही इस पर काबू नहीं पाया जाता तो ये पूरे क्षेत्र में फैल जाती। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है। छतरपुर के कृषि विभाग में अचानक आग लग गई। विभाग के कर्मचारियों द्वारा पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि आग बहुत विकराल थी। समय रहते ही फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। वहीं कार्यालय के जिस रूम में आग लगी थी उसमें कृषि विभाग से संबंधित सरकार की किसानों के प्रचार की हजारों रुपए की सामग्री रखी थी, जिन्हें विभाग ने नहीं बांटा था। अब ये सब आग में जलकर स्वाह हो गई है। कूड़े में किसी ने आग लगाई और अब हवा भी तेज चल रही थी, उसकी वजह से मतलब ऐसा अनुमान है कि उड़ करके और पत्तियां उस पर काफ़ी बिछी हुई थी भवन के ऊपर, और उसी समय लाइट भी चली गई, तेज हवा भी चल रही थी। तो फिर भी हमारे लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, अपनी टंकी से पानी ले जाकर बाल्टी से और मग्गों से पानी डाला। इसके बीच में हमारे स्टाफ के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना की गई, तो 15 से 20 मिनट में फायर ब्रिगेड हमारे ऑफिस पहुंची है और उन्होंने कंट्रोल किया है और हम देख रहे हैं कि आग बुझने की स्थिति में आ गई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।